नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं सनबीम एकेडमी वाराणसी के सेक्रेटरी जगदीप मधोक। आइए जानते हैं नए सत्र में एडमिशन को लेकर क्या है तैयारी। धन्यवाद। मैं जगदीप मधोक, सेक्रेटरी सनबीम एकेडमी। नए सत्र को लेकर जो एक डर का माहौल था कोरोना का लेके, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हम लोग अब नए सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और एडमिशन्स भी हो रही हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे पास तो बड़ी क्लासेस में तो अब जगह नहीं है और छोटी क्लासेस में एडमिशन्स हो रही हैं। बच्चे खुश हैं, इतने दिन से घरों में बैठे हुए थे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अब सब ठीक ठाक रहे और सारे बच्चे जो है खेले, हमारी बगिया जो है ये फूलों से भरी रहे, क्योंकि ये बच्चे नहीं रहते हैं तो सारे स्कूल्स बनारस के उदास हो जाते हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है बाबा विश्वनाथ से इन सब कि हमारे स्कूल के सभी बच्चे ठीक से रहे, अच्छे से आए और सबका और एडमिशन्स भी सब अच्छे से हो। मधोक जी, हम जानना चाहेंगे कि सनबीम एकेडमी के एलिट बैच में एडमिशन में चयन की क्या प्रक्रिया है और इन बच्चों को अलग से क्या सुविधा दी जाती है। देखिए, इसमें 11-11 बच्चे, अब 9th क्लास में 11 और हम 11th क्लास में 11 बच्चे लेते हैं। जो बच्चे 9th में आते हैं 11, वो 9th 10th दोनों कवर करते हैं। जो 11th में आते हैं वो 11th 12th कवर करते हैं। ये 100% फ्री है और इसमें हम कोई भी शुल्क अलग से हम नहीं लेते हैं बच्चों से। और बाहर से बच्चे आते हैं, इस बार करीब 5,000 से लेकर 6,000 बच्चा बैठा था और जिसमें से हमने 22 बच्चे चुने। ये हमारा एक पिछले 10 साल से ये चल रहा है और बहुत ही सक्सेसफुल है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन बच्चा कहाँ से आ रहा है, मेन ये है कि उसको मेरिट में आना चाहिए। एलिट 11 हमारा एक बहुत सक्सेसफुल है और आगे भी इसी तरह से रहे। मधोक जी, सूबे की योगी सरकार का निजी स्कूलों में RTE के तहत एडमिशन का काफ़ी दबाव होता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में मुझे क्या कहना है भाई, हमें तो बेसिक भेजते हैं और हम लेते हैं। हमारे पास भी RTE में विद्यार्थी हैं और लेंगे ही भाई। जब एक बार शासन का आदेश है और RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू है तो बच्चे तो लेने ही पड़ेंगे आपको, और लेते भी हैं। हमारे ऊपर इसका कोई वो नहीं है, सब बच्चे मिलजुल के रह रहे हैं और हमें तो पता भी नहीं है कि क्लास में कौन RTE के बैठे हैं और कौन हमारे अपने बच्चे। सभी बच्चे हमारे अपने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें लेने में और हम लेते भी हैं। हाँ, थोड़ा सा उसमें ये होता है कि भाई पता करना ज़रूरी है, वो हमारे लोग हैं वो अपने एंड से पता कर लेते हैं कि वाकई इनको ज़रूरत है कि ये कहीं से नकली सर्टिफिकेट बनवा के आ गए हैं, तो वो पकड़ जाते हैं, वो शिकायत होती है, वो उनका कैंसिल हो जाता है, दूसरे लोग आ जाते हैं। लेकिन बच्चे तो हम हर साल लेते ही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं से। मधोक जी, सनबीम एकेडमी की कितनी शाखाएं हैं? हमारे पास सनबीम एकेडमी की टोटल 4 शाखाएं हैं। सनबीम एकेडमी दुर्गा कुंड, सनबीम एकेडमी सराय नंदन, सनबीम एकेडमी सामने घाट और सनबीम एकेडमी नॉलेज पार्क बरईपुर नारायणपुर। 4 शाखाएं हैं और इसमें से 2 शाखाएं हमारी एफिलेटेड टू CBSE हैं अप टू क्लास 12th और 2 शाखाएं हमारी क्लास 8 तक हैं। दोनों AC स्कूल्स हैं। क्लास 8 तक हमारी जो है वो बेसिक से मान्यता प्राप्त है, इंग्लिश मीडियम, और 8th के बाद वो 9th में हमारे पास सामने घाट या नॉलेज पार्क ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उनका अलग से अतिरिक्त शुल्क कुछ नहीं लगता, उसी में वो जब 8th पास करके 9th में आ जाते हैं। उसी तरह से हमारे 4 हॉस्टल हैं, जूनियर, सीनियर और एक्स्ट्रा सीनियर क्लास 11 12th के, हमारे कुल मिला के, और गर्ल्स 4 हॉस्टल हमारे पास है। इस वक्त हमारे साथ हैं स्काई ट्यूटोरियल के डायरेक्टर पंकज मौर्य। आइए जानते हैं कोविड काल कैसा रहा और आगे क्या तैयारी है। देखिए, कोविड काल में प्रॉब्लम तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ज्यादा थी, खासकर बच्चों को ठीक से ऑनलाइन क्लासेस वजह से उनका प्रिपरेशन हो नहीं पाया, और जो बहुत अच्छे बच्चे थे वो तो कुछ गेन कर लिए, लेकिन मीडियोकर और नॉर्मल स्टूडेंट के लिए तो बहुत दिक्कत था। और दूसरी चीज़, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी प्रॉब्लम ज़्यादा थी। यहाँ एज ए बिजनेस कहिए तो
काफ़ी चीज़ें ठप पड़ी थी लगभग 2 सालों तक। ठीक है, अब आगे हम लोग प्रयास हैं कि इससे अच्छा करें और बच्चों को भी, मतलब बच्चों का मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और शायद ये नॉर्मल कंडीशन में हम लोग पहुँच जाएँ। ठीक, आगे का प्रिपरेशन हम लोगों का है कि अब जो बच्चे कोविड काल में 2 साल तक वो काफ़ी वीक हो चुके हैं, ठीक है, और इतना ज़्यादा वीक हो गए हैं कि अब थोड़ा उनको फिर से ले आने में प्रॉब्लम है। इसलिए हम करते क्या हैं कि जो बच्चे आते हैं उनको अलग से बैठा के, ठीक, अलग से पढ़ाते हैं और अलग से पढ़ा के तब उनको क्लास में डालते हैं, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अभी हम लोगों का दायित्व भी है कि भाई ऐसे स्टूडेंट को थोड़ा सपोर्ट करके आगे ले जाया जाए। कि हम लोगों ने दोनों साल, ठीक है, अपने ऐप के जरिए से अपने बच्चों का ऑनलाइन कोर्सेस पूरा कंप्लीट कराया, उनका टेस्ट भी लिया, प्रॉपर रिजल्ट भी आया, और उससे जो अच्छे बच्चे थे, कि हम आपको पहले बता दिए कि ऑनलाइन से अच्छे बच्चों का फ़ायदा तो होता है, बट जो मीडियोकर हैं और वीक स्टूडेंट हैं उनको ऑनलाइन से दिक्कत होती है। ठीक है, वो भटक जाते हैं और उनको बार बार खींच के पढ़ाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऑनलाइन में देखिए प्लस भी है माइनस भी है, अच्छे बच्चों के लिए ठीक है लेकिन थोड़ा कमजोर बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है। ठीक, क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।